देखिए आइडियली तो आई थिंक इन एन आइडियल वर्ल्ड तो हम बहुत सारी चीज़ें चाहेंगे कि अफेक्ट ना करें. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मौजू होते हैं, थोड़े से हसास होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बैन हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चल पाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आई थिंक पोलिटिकल स्टेटमेंट्स की आड़ में जो है उनको भी जो है मतलब रद्द कर दिया जाता है प्रोजेक्ट्स को. जिस तरह आई थिंक बिंडुए तो एक बेचारा एक बहुत ही एक नाजुक सा उस तरह का हार्मलेस सा प्रोजेक्ट था जिसमें कोई इस तरह की बात नहीं की जा रही थी. बट हैविंग सेड दैट ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, इसी तरह कनेक्ट होता है, डिवाइड्स इसी तरह भरे जाते हैं. इस पर एहतजाज करने के बजाय अगर हम सिर्फ अपनी एफर्ट्स इस काम में लगा लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे काम करते जाएंगे और मामलों को जो है उलझने के बजाय सुलझाते रहेंगे, वो आई थिंक बेहतर होगा. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. तो फवाद आगे जाके आप चाहते हैं कि आप फिर भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करें? इंशाल्लाह काम करने का इरादा तो पूरी तरह है. हम बहुत जल्द आई थिंक अगले साल में दो प्रोजेक्ट्स में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स हैं. एक एक्चुअली फिल्म में एक छोटा सा मुझे रोल मिला था अभी रिसेंटली पाकिस्तानी फिल्म में, एक दोस्त की बहुत अच्छे दोस्त हैं उनकी फिल्म में हो मन जा, उसमें छोटा सा मैंने किरदार निभाया. सो उसके आगे अब देखते जाएं, जिसको इंटरेस्ट है, अगर प्रोड्यूसर्स को मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे फिल्में ऑफर कर देंगे, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करेंगे. अच्छा, अब आपने ये मेंशन किया, मुझे जल्दी से पूछना पड़ेगा, हो मन जहान में मायरा भी हैं और सब जानते हैं कि आप दोनों की पार्टनरशिप कितनी कमाल की है हम सफ़र से, तो हो मन जहान में आप दोनों का सीन होगा? यही सब ये अगर मैं ये सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिनेमा जाके देखें. अच्छा ठीक है, आपने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, तो बस अब ऐसा ही मैं टाल मटोल कर जाता हूँ. बट इंशाल्लाह अगले साल वी आर एक फुल फ्लेज हमारी है इन्वॉल्वमेंट इन टू प्रोजेक्ट्स, तो बस वो फ्लोर्स पे जाने लगी. अगले साल से मुराद ये है कि जनवरी में वी विल स्टार्ट शूटिंग फॉर वन. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तुम प्रिंस हो? हाँ. तुम बिल्कुल प्रिंस नहीं लगते.